हिसार में 14 जुलाई को राज्य स्तरीय राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। राहगीरी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एडीजीपी ओपी सिंह ने लघु सचिवालय के जिला सभागार अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ शहर की विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोगों ने भी हिस्सा लिया। वहीं 13 जुलाई को राहगीरी की फुल ड्रेस रिहर्सल भी की जाएगी। इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश भर में राहगीरी कार्यक्रम में बेहतरीन कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए एडीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि राहगीरी कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन अधिकारियों व आम जनता के बीच मधुर संबंध स्थापित करना है। इसके अलावा आमजन राहगीरी कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलता है। उन्होंने बताया कि राहगीरी कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावा आमजन को नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। एडीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि पिछले एक वर्ष में प्रदेश में अलग अलग जगह राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया, जिसमें करीब 9 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि राहगीरी कार्यक्रम में हर उम्र के लोग समय निकालकर अपने तरीके से मस्ती करने का सबसे उपयुक्त कार्यक्रम है। लोग एक साथ कैसे रहे और कैसे एक दूसरे के काम आए, इनके लिए भी उनको ऐसा माहौल देना जहाँ ये चीजें वो ज्यादा प्रैक्टिस करें। उसी क्रम में 14 तारीख को हम एक जो एनुअल अवार्ड फंक्शन कराने जा रहे हैं, जिन जिलों में अच्छा काम हुआ है, जिन अफसरों ने अच्छा काम किया है, उनको इस अवसर पर मुख्यमंत्री से इनाम देंगे। जितने भी हमारे ओलंपियंस हैं जो राहगीरी का एक्टिविटी एरिया होता है, तो जैसे क्रिकेट में जोगिंदर शर्मा और आपका बॉक्सिंग में अखिल था और रेसलिंग में योगेश्वर दत्त या गीता बबीता जो भी है, जितने भी हमारे ओलंपियन हैं जिन पर हमको गर्व है, उसी लिए इंडिया कलर में वो सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे। और इससे बड़ा मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज जाएगा कि देखिए है तो राहगीरी का ही, लेकिन जब जो उसका अहम हिस्सा रहेगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चल सकती है और चल सकती है, तो हम एक वॉक एंड रन भी कराएंगे यहाँ, जिसमें कि NSS के वॉलंटियर्स, नेहरू युवा केंद्र के क्लब्स और स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, गांव के पंच सरपंच होंगे जो पानी बचाओ मुहिम का हिस्सा बनेंगे।